तो दोस्तों अब शादी की तैयारियां चालू हो गई है। गणेश जी नोत दिया उसको लोग मैंने डाल दिया पहले ही, तो आप जाके उसको देख सकते हो। और अब देखो आपको दिखाता हूँ क्या क्या सजावट हो चुकी है, क्या क्या हो चुका है और क्या क्या होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, हम शेयर करेंगे अपनी शादी की पूरी तैयारियाँ, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले ना हमें ना प्लॉट साफ करवाना है। तो ये प्लॉट साफ़ करवाने के लिए हमने ट्रैक्टर वाले भैया को बुलाया, जिन्होंने हमसे 600 रुपये लिए हैं, और 600 रुपये में ये इस प्लॉट को साफ़ कर देंगे। बट इनको कम से कम आधा घंटा लगेगा, तो इसके इन्होंने फीस ली है। बाकी हमारे देखो अभी आपको दिखाता हूँ, पूरा प्लेन है, लाइटें ऐसे लगी हुई है। तो यहाँ पे जो सजावट होगी तो हमने चालू कर दी है। ये जो चुन्नी है इसकी भी सजावट होगी। ये चुन्नी हमने खरीदी है, मतलब इनको बुला लिया, इनसे सामान ले लिया। अब ये जो माल है ना ये लगा के चल जाएंगे, लगाने की कीमत ले लेंगे। और ये राय से हटा के रख दी, और जब कीमत ले लेंगे तो उसके बाद ही हमारी हो जाएगी। बोले 10 दिन लगाए, 15 दिन लगाए, 20 दिन लगाए। और जो हमारा डेकोरेशन का सामान है ना वो हम इसमें लगा देंगे। तो ओवरऑल मेरा ये कि 15-20 दिन डेकोरेशन रहेगी, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी नहीं। तो चलो देखते पहले क्या क्या लगाने हैं। देखो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ओ, मैंने आपको भी बताया था पिछले ब्लॉग में कि मैंने क्या क्या खरीदा था सामान, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा थोड़ा लगा है और लगेगा अभी। ये देखो जो मेरे पीछे लग रहा है ना, ये तो मैं दिखाता हूँ। ये अपन लेके आए थे नाहरगढ़ रोड से, इसका आप सबको पता है। ये भी मैंने ना इवेंट वाले से बोल के खरीद ली। अब इसका जो प्राइस होगा मैं बता दूंगा। ये लग रहा है अभी, इसका ट्रस्ट आएगा यू टाइप, और उसके बाद ये कवर हो जाएगा। तो देखो ये इनके बारे में मैंने ब्लॉग में डाल रखा है, कितने की पड़ी, कितने की क्या है और कहाँ से लिए। तो ये सब आप उसको, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो मैं आपको इसमें डिटेल डाल दूंगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और ये देखो गेट भी दिखाता हूँ, गेट तैयार हो गए। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये देखो इतना काम तो हो गया है। और ये एल्टो हमारी, इसकी भी दिक्कत आ रही थी, इसको ठीक करवा के भगा लिया। और आगे की दिखाएंगे डेकोरेशन। तो यहाँ पे लगेगा कल का काम, यहाँ पे हलवाई लगेंगे और यहाँ पे ट्रस्ट लगेगा, तो भी देख लेते हैं। तो ये कपड़ा ना ये आगे लगेगा, और इसको क्या लटका के चले गए, तो शाम को जब ट्रस्ट लगेगा तो उससे वो कवर हो जाएगा। बाकी गेट आपको भी दिखाई दी, और गेटों के बाद में देखो साइड में भी जो कवर किया है डेकोरेशन, ये सब चुन्नी वाली डेकोरेशन है। और अब देखो रात को आ गया ट्रस्ट, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला, आज का सावा ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये सामान उतार रहे हैं, और इसमें देखो क्या क्या लगेगा। इसमें जो बाहर का एरिया है ना, उसमें हम पहले से बर्तन रखवा लेते हैं, ये सुबह काम आएंगे खाने के लिए। और ये जितना भी सामान है, तो ये क्या आज आ गया ना, तो सुबह काम आएगा जल्दी। और ये देखो बाहर ट्रस्ट लगाएंगे, तो ये जो सामने का एरिया है ना इसमें ट्रस्ट लगेगा 20x40 का। तो यहाँ जो कल लगन का फंक्शन होगा वो यहाँ पे होगा। और ये देखो इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा खड़ा भी कर दिया। तो ये क्या, जैसे कह रहे थे कि रात को 3-4 बजे तक पूरा कवर करके जाएंगे, अभी तो 12 बज रहे हैं। तो ये इसको कवर करके फिर कपड़ा बांध के चले जाएंगे, बाकी सुबह मैटिंग वेटिंग सुबह भी चलेंगे। मैटिंग ले आए, सब ले आए। तो ये देखो इन्होंने ट्रस्ट खड़ा कर दिया, और ये सामान रखा हुआ है। और रात को लाइटों के साथ ये डेकोरेशन ऐसी दिखेगी। और ये लाइटें और फाउंटेन तो अपने परमानेंट है ही, आपको बताइए। फाउंटेन पे ब्लॉग बनाएंगे, अभी टाइम नहीं मिल रहा, तो किसी दिन बनाएंगे, अभी शादी में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। और धीरे धीरे देखो ये भी देखो खड़ा हो गया, तो इसको ना जब तब तक कवर होगा ना, उसके बाद मैटिंग वैटिंग सुबह भी चाहेंगे। ले आऊँ जब दो, बाकी देखो मेरे को आ रही है बहुत भयंकर नींद, मैं इनको ये बोल के जाने वाला हूँ थोड़ी देर में कि भाई तुम काम करके चले जाना, मैं अपना सोने जा रहा हूँ। तो ये देखो ये वाला कपड़ा यूज़ करें इस बार। तो देखो मैं सोने चला भी गया था, और मैं सुबह उठ के आया हूँ, तो मेरे को ये दिखा है। और जब तक हलवाई का ये देखो त्रिपाल लगा दिया, और इन्होंने कवर लगा दिया था, जब तक हमारे दोनों बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहा भाई, ओए क्या खा रहा देखो इसको बड़ा मजा आ रहा है चॉकलेट खाते खाते देखने का। और ये सब आ गए वापस, और अभी देखो इन्होंने धीरे धीरे हलवाई आ गए, तो हलवाई ने अपना सामान सेटअप शुरू कर दिया। तो टेंट वाले भी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, क्योंकि रात को शायद में 3-4 बजे गए थे, मैंने अभी फ़ोन किया था उनको। तो उसके बाद तो
मैं आपको इस ब्लॉग में वो सब चीज़ें दिखाऊँ जो हमने यूज़ की थी, बाकी थोड़ी बहुत जो आइटम बन रहे हैं जो दिखा रही थी हमको या मुझे बन रही है। और ये दूध आ गया तो यहाँ का वेज रायता बनेगा, ये सब काम चल रहा है। मजदूर बना डाले जब भी डाले चीज़ें देखेंगे किसी का मुँह में पानी आ रहा है तो भाई मेरे भी पानी आ रहा है। और इन दोनों छोटे मोटे बच्चों को मूंग की दाल खानी है और देखो प्यार भी करते हैं एक दूसरे को परेशान भी करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम लोग सामान लेके आए थे ना डेकोरेशन का वो कब लगाएंगे, तो उससे पहले देखो फिर गुलाब जामुन बना दिए। तो ये ना ये मेरे को काम नहीं, वीडियो नहीं बनाने दे रहे, ये इनको मैं देखने आ गया वापस मुँह में पानी आ गया। तो आप क्या अगर गुलाब जामुन देख के मुँह में पानी आता है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे। ये देखो कितने प्यारे गुलाब जामुन बने हैं, टेस्टी तो ऐसे लग ही रहे हैं, टेस्टी होंगे ही। और ये देखो ये हमारे हैं भी और इनके गुलाब जामुन का मसाला। तो भाई कर रहा भाई अब काम आगे बढ़ता जा रहा है और ये कन्नू दादू के पास बैठ के पानी नाटक कर रही है, पानी पी रही है, ये बस खेल रही है, इसके दांत आने वाले हैं ना। तो देखो टेबल वेबले लग चुकी है और जो हम डेकोरेशन का सामान लाए थे ना अब उसका यूज यहाँ होगा असली। तो ये देखो ये लगाना चालू कर दिए ये, और जो हम जितने भी लाए थे ना वो मैं सिर्फ 3400 रुपये के लाया था और इसमें कहता क्या कवर होता है वो देखेंगे हम इसको फाइनल होने के बाद। पर ये देखो ये लाइनिंग लगने लग गई है और अच्छा देखो अच्छा तो लग ही रहा है। और ये क्या ना उन्होंने फ्लावर डेकोरेशन वाले को बुलाया नहीं तो हमें खुद ही लगानी पड़ी, लगाने में कोई मेहनत नहीं है, सेफ्टी टेंट वाले की है और हमें इनको सिर्फ हैंग करना है। तो ये देखो तो इसको दूर से देख लेते हैं एक बार और रात को कैसा लुक आएगा वो भी देखेंगे। पर दिन में मेरी आंखों से मेरे को क्या अच्छा दिख रहा है ये फ़ोन में और सामने दिखने में फ़र्क आता है। तो ये देखो भाई काफ़ी लग चुकी और ये देखो जितनी लाओ उतनी है, इसका कोई ज़्यादा कोस्ट नहीं थी। और सब देखो हमारी भी सिस्टर की भी खड़ी है और ये देखो भाई साहब धीरे 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 कवर कर दिया सारी इसको ट्रस्ट को। तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि ये सब चीज़ें ना हम घर पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब इनमें मेरे को फ़ायदा रहेगा कि मैंने अगर जब फ्लावर डेकोरेशन कराया होता तो ये 5-7 हज़ार तो लेके जाते, जबकि मैं 3400 में मैंने सारा सामान ही खरीद लिया, मैं जितनी बार चाहूँगा उतनी बार लगा दूंगा। तो एक बार नाइट व्यू भी देख लेते हैं, ये देखो भाई आज का रात का डेकोरेशन। और ये देखो आगे की और ये हमारे ट्रस्ट की सब काम हो गया है, मेरे को टाइम ही नहीं मिला तो उसके लिए सॉरी बोलूँगा कि मैंने पूरा फंक्शन देखा। तो मिलते हैं।